हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग नंबर सिस्टम पढ़ेंगे और नंबर सिस्टम में जितने भी कॉन्सेप्ट्स होते हैं उसकी पूरी रेगुलर क्लास में करूंगा इसमें, ठीक है। सारे वीडियोस बनाऊंगा मैं नंबर सिस्टम पर। नंबर सिस्टम में सबसे पहले हम लोग देखते हैं भाई नंबर ऑफ ज़ीरोज, यानी कि ज़ीरो की संख्या कितनी होनी चाहिए जब हम गुणा करते हैं इस तरह से कंटिन्यू किसी भी सीरीज़ का, ठीक है। अब इन क्वेश्चंस को करने के पहले ज़रा इन चीज़ों को समझो कि जैसे मैंने एक सीरीज लिखी हुई है 1 × 2 × 3 × 4 × 5 × 6 × 7, जब हम लगातार इस तरह से गुणा करते हैं तो मुझे बताना ये कि अंत में जीरो की संख्या कितनी आएगी। मैं आपसे ये नहीं पूछ रहा हूँ कि 3 × 5 × 2 तो 5 × 2 = 10 और 10 × 3 = 30 हो जाएंगे। तो मैं आपसे ये नहीं पूछ रहा हूँ कि ये 3 आया क्या आया, इस तरह से मुझे मतलब नहीं है। मुझे सिर्फ पता करना है कि ज़ीरो कितने आ रहे हैं इसमें, ज़ीरो कितने आ सकते हैं, तो उसको हम लोग लेकर उस चीज़ को लेकर हम लोगों को समझना है कॉन्सेप्ट को। अब देखो ज़रा ध्यान से, यदि मैं अगर ध्यान से देखूं तो 1 से लेकर 10 तक यहाँ पर देके रखा हुआ है। अगर मैं आपसे पूछूं यदि मैं 1 से लेकर 10 तक का गुणा करता हूँ तो बताओ अंत में कितने जीरो आएंगे, तो आप यहाँ पर कहोगे आप ऐसे एक साथ पूरा गुणा तो करोगे नहीं, आप क्या पूरा गुणा करने बैठ गए और आंसर निकालोगे, ऐसा संभव नहीं है। आप क्या करते हो इसमें, सबसे पहले तो देखो 10, इस 10 में मुझे पता है 10 तो मुझे मिलेगी ही मिलेगी, और दूसरी बात जब मैं 5 × 2 में करता हूँ तो भी मुझे 10 मिलता है, 10 मुझे वहाँ मिलेगी, तो 1 और 1 दोनों कितने हो गए, 2 हो गई। अब देखो ज़रा ध्यान से ऐसा होता क्यों है, यदि मैं इधर ऐसा करूं यहाँ पर लिखूं 10 और 10 का गुणा यदि मैं सीधे ही 5 में कर दूं तो मुझे पता है कितना मिल जाएगा, 2, तो नंबर ऑफ जीरोस कितनी हो जाएंगी, 2 हो जाएंगी मेरे पास में। ऐसा इसलिए होता है, ये सारी कहानी डिपेंड करती है 5 के ऊपर, ये डिपेंड करती है 5 के ऊपर। अब इसे ज़रा ध्यान से समझो, यदि मैंने लिखा है 2 × 5 × 2 × 5 × 2 × 2 × 2 × 2, ये लिखा हुआ है। अगर ध्यान से देखोगे तो 2 कितनी बार लिखा हुआ है, 2 लिखा हुआ है, 1, 2, 3, 4, 5 बार लिखा हुआ है, तो नंबर ऑफ़ टूज कितनी है, 5 टाइम्स है। उसके बाद में 5 कितने हैं, नंबर ऑफ़ 5 दो बार लिखे हुए हैं तो 2 टाइम्स लिखे हुए हैं। तो ये डिपेंड किस पे कर रहा है, डिपेंड कर रहा है जो इसमें से कम है, जो इसमें से कम है, यानी कि 5 यहाँ पर कम बार लिखा हुआ है तो 2 ही बार लिखा है, तो सिर्फ और सिर्फ कितने बन पाएंगे, 0, 2 0 बन पाएंगे अपने पास में, ठीक है। 0 कितने बन पाएंगे, 2, 5 × 2 = 10, 10, 5 × 2 = 10, 10, 1 और 1 हो गया 2 0। इधर देखो फिर 2 × 5 × 2 × 5 × 5 × 5 × 5, ये लिखा हुआ है। अगर मैं इसे ध्यान से देखूं तो 5 5 5 5 और 5, 1 2 3 4 5, 5 कितनी बार लिखा हुआ है, 5 बार लिखा हुआ है, 2 कितनी बार लिखा है, 2 बार लिखा हुआ है, तो कम बार कौन सी संख्या लिखी है, 2 लिखी हुई है, तो इस बार 2 के ऊपर कहानी डिपेंड होगी, यानी कि जो भी कम बार लिखी हुई होती है उतनी बार 0 आपको यूज करना है। 2 इस बार हैं 2 बार, तो इसका मतलब नंबर ऑफ जीरोस कितने आएंगे, 2 आएंगे, ठीक है, ध्यान रखना इतना। अब जरा ध्यान से देखो, बस यही वाला फंडा मुझे यहां से अपनाना है, 1 × 2 × 3 × यहां से लेकर कहां तक गया, मैं 60 तक गया हूं। अगर मैं यहां से लेकर 60 तक गया तो मुझे बताना है नंबर ऑफ जीरोस कितने होंगे, यदि मैं 1 से लेकर 60 तक का गुणा करूंगा लगातार तो बताओ अंत में कितने जीरो आएंगे। बड़ा आसान है, अभी अभी हम लोगों ने देखा कुछ भी नहीं करना है मुझे, फाइनल वैल्यू जो भी दी है उसमें डिवाइड कर दो, किसका, 5 का डिवाइड कर दो, यानी कि जो भी मुझे फाइनल दिया है 60 इसमें कर दो आप 5 का, तब तक करते जाना है जब तक 5 से वो कटता जाएगा, ठीक है। देखो 5 से काटूंगा मैं इसे कितनी बार, 12 बार काटूंगा मैं इसे, फिर मैं अब फिर ये जो 12 है ना इसको यहाँ पर रखो बिल्कुल इस तरह से, फिर करो इसमें 5 का, तो 5 से कितनी बार कटेगा, 2 बार कटेगा। ये दशमलव वगैरह डेसिमल में मुझे नहीं काटना है, मुझे सिर्फ इतना काटना है कि ये तब तक कट सके, तो 5 से मैंने काटा इसे कितनी बार, 2 बार काट गया, ठीक है। बचा है मेरे पास रिमाइंडर 2 2/5, क्या कट पाएगा, नहीं कट पाएगा, इसका मतलब 12 और 2 कितने हो गए, 14 हो गए, यानी कि नंबर ऑफ जीरोस जो होंगे, यानी कि नंबर ऑफ जो जीरोस होंगे मेरे पास में वो कितने होंगे, 14 होंगे। इसी तरह से इस क्वेश्चन को करो, 1 से लेकर 85 तक का मुझे लगातार गुणा करना है तो क्या करूँगा, इस 85 का मैं क्या करूँगा, भाग लगा दूंगा किससे, 5 से। अब इम्पॉर्टेंट बात है कि 5 से ही क्यों लगाया जाता है, 5 से इसलिए लगाया जाता है क्योंकि 5 का गुणा जब 2 में होता है 5 का गुणा जब 2 में होता है तो 10 बनता है, 5 × 2 = 10 होता है, 10 बन जाता है वो, ठीक है। इसीलिए हम लोग हर बार क्या करते हैं, 5 से डिवाइड लगा देते हैं। अगर आप ध्यान से देखोगे तो 5 से जब मैं इसे काटूंगा तो कितना हो जाएगा, 17, फिर 17 को यहाँ पर लिखो और भाग लगा दो 5 का, तो अभी भी कट रहा है, 5 से 3 टाइम कट जाएगा,
ठीक है, 5 × 3 = 15, फिर कितना बचेगा, 2, क्या 2 काट पाएगा 5? नहीं काट पाएगा, तो 17 और 3 कितने हो जाएंगे, 20 हो जाएंगे, बस यही 20 आपका क्या होगा, आंसर होगा। ठीक है, इसको देखो, 1 से लेकर 150 तक जब आप गुणा करोगे तो कितने जीरो आएंगे, ये मुझे पता करना है। यहाँ पर 14 आ गए, यहाँ पर 20 आ गए, यहाँ पर कितने आएंगे, कुछ भी नहीं है, 150/5 कर दो, कितना हो जाएगा, 30 हो गया। ठीक है, इसके बाद में फिर क्या करूँगा, 30 लिखा मैंने, इसको मैंने भाग लगा दिया 5 से, कितना होगा, 6 होगा। इसके बाद में फिर 6 को लगा दिया मैंने किससे, 5 से, कट जाएगा एक टाइम। इसका मतलब ये हो गया 30 और 6 = 36 और 1 = 37, यानी कि कितना आएगा, 37 अपने पास में आंसर आएगा। तो कहने का मेरा मतलब यहाँ पर ये है कि आपको ये ध्यान रखना है कि 1 से लेकर जब हम 10 तक करते हैं, 10 से लेकर आप 20 तक जाओगे, 20 से लेकर 30 तक जाओगे, कहीं तक भी जाओगे आप, तो जो भी अपने पास 5 आता है, जो भी 5 आता है, इस 5 का ही हमेशा भाग लगाया जाएगा, उसी से हमें पता चलता है कि नंबर ऑफ जीरोज कितने आने वाले हैं, 2 आने वाले हैं। अगर आप ध्यान से देखोगे तो 2 यहाँ पर भी है, 2 इस जगह पर भी है, 2 6 में भी है, 2 8 में भी है, और 2 10 में भी है, लेकिन मेरे पास 5 कितने हैं, 5 मेरे पास सिर्फ पूरे की पूरी सीरीज में एक ही दे के रखा है मुझे। इसका मतलब कहानी डिपेंड करेगी 5 के ऊपर, यानी कि जो भी कम बार मुझे दे के रखता है उतने ही मैं जोड़े बना सकता हूँ। यहाँ अगर आप ध्यान से देखोगे तो 5 और 2 एक पेयर बन गया, यहाँ पर 5 और 2 एक पेयर बन गया, क्या मैं और पेयर बना सकता हूँ, नहीं बना सकता। क्यों नहीं बना सकता, क्योंकि मेरे पास में इस 2 का गुणा करने के लिए 5 नहीं है, इसलिए मैं नहीं कर सकता। इसलिए 1 0 तो आप यहाँ लिख दोगे, 1 0 यहाँ लिख दोगे, तो टोटल 1 और 1 कितना हो गया, 2 0s यहाँ पर आएंगे, तो 2 0s यहाँ पर आपके आ जाएंगे। ठीक है, तो इसी तरह से सीरीज में यही काम होता है कि मेरे पास 5 सिर्फ एक ही बार दिया हुआ है और उसका मैं एक ही बार गुणा कर सकता हूँ। ठीक है, 1 0 तो मुझे ये मिल गया और दूसरा 0 5 का इसमें गुणा करने पर हो जाएगा, तो टोटल मेरे पास में होगा 2 0। अब इसे डायरेक्ट निकालने का तरीका ये मैंने आप लोगों को बता दिया कि हर बार आप 5 का ही भाग लगाओगे। क्यों लगाओगे 5 का भाग, क्योंकि यहाँ पर सबसे जो कम बार आता है उसी का आपको भाग लगाना है। ठीक है, 5 सबसे कम बार आता है इसलिए आपको उसी का भाग लगाना है। ठीक है, चलो और मैं क्वेश्चंस बताता हूँ आपको, इसे नोट कर लो। चलिए इन क्वेश्चंस को देखो जरा, यहाँ पर क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है, 2 × 4 × 6 × 8 × इस तरह से मुझे देके रखा है 100। अभी तक इसके पहले मैंने जो आप लोगों को बताया था 1 × 2 × 3 × करते करते हम लोग गए थे 85 तक, तो हमने वहां पर क्या किया था कि 85 को भाग लगा दिया था हमने 5 का। ठीक है, जब 85 को हमने 5 का भाग लगाया तो 17 आया था, 17 फिर 5 से कट सकता है, तो हम लोगों ने 17 को भी काटा था, किससे, 5 से काटा था। लेकिन 5 से जब मैं उसे 3 टाइम काट दूंगा 17 को, तो 3 के बाद में सिर्फ वहां पर बचता है हमारे पास में 2, जिसे मैं भाग नहीं लगा सकता। मुझे पॉइंट में नहीं करना है, यहाँ पर मुझे नंबर ऑफ जीरोस पता करना है। नंबर ऑफ जीरोस पता करने के लिए आप 5 का भाग तब तक लगाते जाओ जब तक कि मुझे वहाँ पर जीरो, जब तक कि वो संख्या कट सकती है, और जितनी बार वो संख्या कट रही है उतने ही उन सभी संख्याओं को आप जोड़ दो तो वो आपको नंबर ऑफ जीरोस बता देंगे। इसी के अगले पैटर्न के जो क्वेश्चन हैं वो ये दिए हुए हैं, 2 × 4 × 6 × 8 × 100। अब ये सीरीज कंटिन्यू तो है, लेकिन यदि आप ध्यान से देखोगे इसे तो इस बार 2-2 का गुणा करके मुझे दी हुई है संख्या, फिर मुझे 4 का गुणा किया है, 3 का किया है, या 6 का किया है, या 11 का दिया है। इस तरह की सीरीज को हम लोग किस तरह से सॉल्व करते हैं इसे देखते हैं हम लोग। तो आप इस तरह की जब भी सीरीज आए सबसे पहले हमें क्या करना है, अगर मैं इस क्वेश्चन को ध्यान से देखता हूँ तो ये जो 2 लिखा है इसे क्या मैं 2 × 1 लिख सकता हूँ, बिल्कुल। इसे मैं यहाँ पर लिख सकता हूँ 4 × इसे मैं 2 × 2 लिख सकता हूँ, बिल्कुल। इसे मैं 3 × 2 लिख सकता हूँ, ठीक है। 1 × 2 × इसे मैं लिख सकता हूँ 2 × 3, इसे लिख सकता हूँ मैं 2 × 4, इसी तरह से मैं इसे लिख सकता हूँ 2 × 50। 2 का गुणा मैंने किस में कर दिया, 50 में। अगर आप ध्यान से देखोगे तो सब में से 2 कॉमन निकल रहा है। अच्छा, एक बात इंपॉर्टेंट बात ये, 2 कितनी बार निकल रहा है कॉमन, तो 2 को मैं अगर देखूंगा तो 1, 2, 3, 4 करते करते कहां तक, 50 बार, यानी कि 2 50 बार तक कॉमन निकल रहा है, तो मैं यहां 2 की घात 50 लिख सकता हूं, बिल्कुल। अंदर जो मुझे बचेगा 1 × 2 × 3 × 4, इस तरह से मैं कहां तक जाऊंगा भाई, यहां पर मैं चला जाऊंगा 50 तक। ठीक है, यहां पर मैं कहां तक जा सकता हूं, 50 तक मैं जा सकता हूं। अब यदि आप ध्यान से देखोगे तो मैंने यहाँ से 2 निकाला कॉमन और उसकी घात कितना हो गया, 50 हो गया। अंदर 1, 2, 3, 4 करते करते कहाँ तक, 50 तक। अब एक बात ज़रा ध्यान से देखो, मैं मुझे 2 की पावर 50 से कोई लेना देना नहीं है, मुझे तो नंबर ऑफ जीरोस पता करने हैं कितने होंगे उसमें।
दो की घात मैंने 50 बार कर दिया तो मुझे नंबर ऑफ जीरोस नहीं मिलने वाले, तीन की घात 50 कर दूंगा, चार की घात 50 कर दूंगा, मुझे नंबर ऑफ जीरोस नहीं मिलेंगे। मुझे नंबर ऑफ जीरोस कब मिलेंगे, जब मैं एक से लेकर 50 तक को सॉल्व करूंगा। अब एक से लेकर 50 तक का सॉल्व करने का तरीका, या 185, 150, 1000 तक कहीं तक भी चले जाओ, तरीका हमारे पास वही है। सबसे बड़ी जो वैल्यू है 50 है, इस 50 में हम लगाएंगे भाग किसका, 5 का लगाएंगे। 5 का भाग इसलिए लगाएंगे क्योंकि हम लोगों को पता है 1 से लेकर 10 या 10 से लेकर 20, इसमें 5 जो होता है आपके पास में क्या होता है, एक ही बार आता है। 1 से लेकर 10 तक देखोगे तो 5 एक बार आएगा, और जो भी संख्या कम बार आती है उसी का हम लोग यहाँ पर भाग लगाते हैं। तो 50/5 को यदि मैं ध्यान से देखूंगा तो कितना हो जाएगा, ये होगा 10। फिर से 10 यहाँ लिखूंगा तो फिर मैं भाग लगाऊंगा 5 का, तो कितना हो जाएगा, 2। तो 10 और 2 कुल कितना हो गया, 12 हो गया। इसका मतलब इस पूरे का जो आंसर मेरे पास आएगा वो आएगा मेरे पास में 12। तो नंबर ऑफ जीरोस मेरे पास कितनी हो जाएंगी, 12 जीरोस होंगी। देखो इस क्वेश्चन को फिर हम कैसे सॉल्व करेंगे, 4, 8, 12 करते करते कहाँ तक गए, 400 तक गए। समझो जरा इस बात को, ये इसे मैं कैसे लिख सकता हूँ, 4 × 1, इसे लिख सकता हूँ मैं 4 × 2, इसे लिख सकता हूँ 4 का गुणा मैंने किसमें कर दिया, 3 में। इसी तरह से इसे मैं लिख सकता हूँ 4 × 100। कुछ भी नहीं करना, 4 निकालूंगा मैं बाहर। अब 4 कितनी बार निकल, 4 यहाँ पर कितनी बार बाहर निकलेगा, तो 1 से लेकर मैं कहाँ तक गया हूँ, 100 तक गया हूँ। तो 4 की घात कितना हो जाएगा, यहाँ पर 100 हो जाएगा। अंदर क्या बचेगा, 1 × 2 × 3 × करते करते कहाँ तक, 100 तक आ गया मैं यहाँ तक। मुझे पता है कि 4 की पावर 100, यहाँ से मुझे कुछ भी नहीं मिलने वाला, इसलिए मैं उसे हटा देता हूँ। ठीक है, अब अगर आप ध्यान से देखोगे, 1 × 2 × 3 × 100 यहाँ तक दिया हुआ है, तो सीधी सी बात है मुझे 100 दे के रखा है, 100 को भाग लगा दो 5 से, बचेगा यहाँ पर 20। फिर इस 20 को लगा दो भाग कितने, किससे, 5 से, बचेगा यहाँ पर 4। अब क्या और कट सकता है, नहीं कटेगा। 20 और 4 कितने हुए अपने पास, 24। तो नंबर ऑफ जीरोस जो मेरे पास होंगे वो यहाँ पर होंगे 24। ठीक है, इसी तरह से इसको देखो, इसे मैं लिख दूंगा 3 × 1, इसे लिख सकता हूँ मैं 3 × 2, इसे लिख सकता हूँ 3 × 3, इसी तरह से इसे लिख दूंगा 3 × 4, इसे लिख दूंगा मैं 3 × 60। अगर आप इसे ध्यान से देखोगे तो यहाँ पर कितनी बार 3 निकल रहा है, 3 मेरे पास कॉमन निकल रहा है 60 बार, तो 3 की घात कितना हो जाएगा, 60। अंदर कितना बचेगा, 1 × 2 × 3, इस तरह से मैं करूँगा कितनी बार, 60 बार। इससे तो मुझे कुछ मिलना नहीं है, इसलिए इसे हटा दो, यहाँ पर बचा हुआ है मेरे पास में 60। 60 को आप भाग लगा दोगे 5 से, तो 5 से भाग लगाओगे तो बचेगा 12। फिर यहाँ पर अगर मैंने 12 लिखा है, फिर 5 से भाग लगाओगे तो बचेगा यहाँ पर 2, बस इसके बाद वो नहीं कटेगा। तो 12 और 2 मेरे पास कितने हो जाएंगे, 14 अपने पास नंबर ऑफ जीरोज होंगे। जीरो की संख्या मेरे पास कितनी होगी, 14 होगी यहाँ पर। फिर ये लिखा हुआ है 6 × बिल्कुल उसी तरह से करना है, 6 × 1, इसके बाद 6 × 2, इसके बाद 6 × 3, इस तरह से मैं जाऊँगा यहाँ पर 6 × 70। 6 × 7 = 42, 42 होते हैं और एक जीरो लग गया। तो 6 मुझे कॉमन निकालना है कितनी बार, 70 बार, 6 की घात 70, 1 × 2 × 3 × यहाँ से लेकर मैं कहाँ तक आया हूँ, 70 तक आया हूँ। अब एक बात ज़रा ध्यान से देखो, मैं ऐसा कर क्यों रहा हूँ कि हर बार मैंने यहाँ पर 6 का गुणा 1 में 2 में, क्यों, क्योंकि मुझे कंटिन्यूस सीरीज़ बनानी होती है, और जैसे ही कंटिन्यूस सीरीज़ होती है तो हमारा क्वेश्चन बड़ा आसान हो जाता है, क्योंकि हमें पता है जो भी बड़ी संख्या हमें दे के रखी है लास्ट में, उस संख्या को बस 5 से भाग लगा दो, आपको नंबर ऑफ जीरोस पता चल जाएंगे। इसका मतलब यहाँ पर ये हुआ कि 70/5 आप लिखोगे 5, 70/5 जब मैं यहाँ पर लिखूंगा, भाई यहाँ पर 5 लिखूंगा मैं, तो यहाँ पर मुझे कितना बचेगा, 70/5 हो जाएंगे तो बचेगा 14। फिर ठीक है, इसके बाद मैं 14 लिखूंगा तो यहाँ पर बचेगा, यहाँ पर मैंने भाग लगा दिया 5 से, तो 5 से लगेगा 2 टाइम, 14 और 2 = 16, बस यही आपका आंसर होगा। ठीक है, चलो इसके बाद देखो 11 लिखा है, तो 11 का गुणा मैंने 1 में किया, 11 का गुणा मैंने 2 में किया, 11 का गुणा मैंने 3 में किया, इस तरह से मैं 11 का गुणा मैंने किस में कर दिया, 80 में कर दिया। ठीक है, अब यहाँ से 11 कितनी बार आएगा, 11 की घात मैंने लिख दिया 80, क्यों लिखा है, क्योंकि 11 कितनी बार आ रहा है, 80 बार आ रहा है, तो 11 की घात हो गया 80। 1 × 2 × 3 × करते करते मैं जाऊँगा कहाँ तक, 80 तक जाऊँगा, मुझे इससे कोई लेना देना नहीं है, मुझे इससे लेना देना। तो 80 यहाँ पर लिखा, 80 का भाग लगा दूंगा मैं 5 से, 5 से लगाऊंगा तो 16 बचेगा, 16/5 करूंगा तो 5 से बचेगा 3, इसके बाद फिर आप उसे नहीं काट सकते, तो 16 और 3 कितना हो जाएगा, 19 होगा, बस यही आपका आंसर होगा। ठीक है, इसे नोट करो। चलो इस क्वेश्चन को देखो, मैंने लिखा हुआ है
दस बीस तीस करते करते कहाँ तक गए हम, 1000 तक गए। इस तरह से ये 10 अब की बार क्वेश्चन में क्या थोड़ा सा पैटर्न चेंज हो गया है। इस तरह के पैटर्न के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आप करोगे क्या, आपको सिंपल सी बात ये ध्यान रखनी है कि 10 20 30 यहाँ से लेकर कहाँ तक जा रहा हूँ मैं, 1000 तक जा रहा हूँ। मुझे करना क्या है, 10 × 1 इसे मैं लिख दूंगा कितना, 10 × 2 ठीक है, इसे मैं लिख दूंगा 10 × 3 लिख दूंगा, और इसे मैं लिख दूंगा 10 × 100 लिख दूंगा। मैं इसे लिख सकता हूँ बिल्कुल। अब मैं एक बात अगर ध्यान से देखूं, 10 कितनी बार निकल रहा है, 1 2 3 करते करते 100 बार निकल रहा है, तो 10 की घात कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा। और अंदर क्या चल रहा है, 1 × 2 × 3 × करते करते कहाँ तक चले गए हम लोग, 100 तक चले गए। अगर आप इतनी बात समझ पा रहे हो तो अब एक इंपॉर्टेंट बात ध्यान रखना, क्या मैं इसको अब की बार काट दूँ। अभी तक मैंने जो पिछले क्वेश्चन में किया था, 2 की पावर कितनी बार निकल गया, 100 बार निकल गया, तो 2 की पावर आप कितनी बार भी करोगे आपको 0 नहीं मिलेगा। 2 की पावर आपने 5 करोगे आपको मिलेगा 32, 2 की पावर 6 करोगे आपको मिलेगा 64। तो इस तरह से कभी भी आपको 2 की पावर 3 की पावर 5 की पावर, तो इसमें कभी भी आपको 0 नहीं बचते हैं। इसलिए हम उस क्या कहते हैं कॉमन निकली हुई वैल्यू को काट दिया करते थे, कोई ज़रूरी नहीं था उसमें हमें। लेकिन अब की बार 10 दिया हुआ है, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है समझना कि 10 की घात मुझे 100 दिया है और अंदर दिया है 1 से लेकर 100 तक, तो इसे तो हम लोगों को सॉल्व करना अच्छे से आता है। ये हो जाएगा 100 बटे कितना हो जाएगा 5, जब काटूंगा तो मेरे पास बचेगा 20, फिर मेरे पास 20 बटे बचा है 5, तो यहाँ पर बचेगा अपने पास 4। अब इसके बाद मैं उसे काट नहीं सकता, तो 20 और 4 कुल कितना हो जाएगा, 24 हो जाएगा, तो इसे 24 लिख दो। इसका मतलब नंबर ऑफ जीरोज अंदर ब्रैकेट में 1 से लेकर 100 तक को सॉल्व करने पर 24 जीरो आ रही हैं। अब इम्पॉर्टेंट बात यह, क्या इसको मैं काट दूं या इससे भी कोई जीरो निकाली जा सकती हैं। मुझे पता है एक इम्पॉर्टेंट बात यहाँ पर ध्यान देना, 10 की घात यदि मैं 1 लिखूंगा तो मुझे 1 0 मिलेगी, 10 की घात यदि मैं 1 लिखता हूँ तो यानी कि 0 कितनी मिलेगी, 1। 10 की घात यदि मैं 2 लिखता हूँ तो मुझे 0 मिलेंगी 2, यानी कि 1 पावर है तो 1 0, 2 पावर है तो 2 0। यदि 10 की घात में यहाँ पर 3 लिखता हूँ तो मुझे यहाँ पर 3 0 मिलेंगी, 1 2 3। 10 की घात यदि 10 लिखूंगा तो मुझे 10 0 मिलेंगी। इसी तरह से 10 की घात 100 है तो मुझे 100 0 मिलेंगी। इसका मतलब टोटल नंबर ऑफ जीरोज जो होंगी वो होंगी मेरे पास 100 प्लस अंदर दी हुई है 24, यानी कि बन जाएगा मेरे पास में 124। इस बात को ध्यान रखना, ठीक है, बहुत आसान है ये चीज़, हम लोगों को समझ में आनी चाहिए। 10 × 20 × 30 से लेकर मुझे जाना है 600 तक, क्या करूँगा, इसे मैं लिख सकता हूँ 10 × 1, 10 × 2, 10 × 3, यहाँ से लेकर मैं करता जाऊँगा 10 × 60 तक। 10 कितनी बार लिखा है मैंने, 60 बार लिखा है, ठीक है, 10 कितनी बार लिखा है, 60 बार लिखा है, 10 की घात 60 हो गया। अंदर 1 × 2 × 3 ऐसे करते करते कहाँ तक जाऊँगा मैं, 60 तक चला जाऊँगा, ठीक है। 10 कॉमन निकाल लिया और 60, तो 1 से लेकर कहाँ तक चला जाऊँगा मैं, 60 तक। मुझे पता है इसको तो बड़ा आसान होता है सॉल्व करना, तो सीधी सी बात है 60 बटे में कर दूंगा 5, 5 से काटूंगा तो 12 आएगा, फिर इसके बाद में 12 बटे में कर दूंगा 5, इसे करूंगा तो 2, तो 12 और 2 मेरे पास हो जाएगा 14 जीरो होंगी। अंदर इसे सॉल्व करने पर टोटल 14 जीरो आ चुकी हैं, क्या इसमें भी जीरो निकल पाएंगी, बिल्कुल निकल पाएंगी। कैसे निकलेंगी, 10 की घात में मुझे पता है 1 होगा तो 1 0, 10 की घात जितनी होती है उतनी जीरो मुझे मिलती है, 10 की घात 60 है तो टोटल मुझे कितनी मिल जाएंगी, जीरो मुझे मिल जाएंगी 60, और इसमें मैं जोड़ दूंगा कितना, 14 जोड़ दूंगा, तो 60 और 14 मेरे पास में 74, बस ये आपका आंसर हो जाएगा। इसी तरह से मुझे ये दे के रखा है तो 100 का गुणा मैं करूँगा 1 में, 100 का गुणा मुझे करना है 2 में, इसी तरह से मुझे करना है 100 का गुणा किस में, 70 में करना है, ठीक है, 7000 बन जाएगा। तो 100 की पावर कितनी होनी चाहिए, 100 की घात कितनी होनी चाहिए, 100 कितनी बार आया है, 100 1 2 करते करते 70 बार आया है, तो 100 की घात यहाँ पर हो जाएगा भाई 70, 100 की घात कितना हो जाएगा, 70 हो जाएगा। अब अगर यहाँ पर ध्यान से देखो, अंदर कितना कॉमन, 1 × 2 × 3 × करते करते कहाँ तक, अपन 70 तक गए हैं। इंपॉर्टेंट बात अब की बार ये है कि देखो, अंदर की बात तो अंदर का तो हम सॉल्व कर सकते हैं आसानी से, अंदर का सॉल्व करोगे कितना आ जाएगा, 70 बटे, अब की बार डायरेक्ट कर देते हैं, 70 बटे 5 करूँगा कितना हो जाएगा, 14 हो जाएगा, फिर मैं 14 को काटूंगा 5 से तो कितना हो जाएगा, 2 बार, तो 14 और 2 कितना हो गया, 16 हो गया, यानी कि टोटल 1 से लेकर 70 तक सॉल्व करूंगा तो 16 जीरो आ जाएंगे, ठीक है। अच्छा, इसके बाद अगर मैं ध्यान से देखूं तो 100 की घात कितनी है, 70 दे के रखा है मुझे,
इस 100 की अभी तक तो हम 10 की घात कर रहे थे, डायरेक्ट निकाल पा रहे थे, तो क्या मैं इसको भी सॉल्व कर सकता हूँ? यदि मुझे 100 की घात 50 दे के रखा है तो करना क्या है मुझे, मैं इसे 10 का स्क्वायर नहीं लिख सकता क्या? बिल्कुल लिख सकता हूँ। और बाहर पावर कितनी दी है, 50 दी है, तो 50 का गुणा इस 2 में कर दो तो 100 बन जाएगा, तो 10 की घात कितनी हो गई, 100 हो गई। बस इसी तरह से मुझे यहाँ पर सॉल्व करना है कि यहाँ पर कितना दिया है, 100 की घात 70 दिया है, तो क्या इसे मैं 10 का स्क्वायर करके 70 नहीं लिख सकता? बिल्कुल लिख सकता हूँ मैं इसे, ये हो जाएगा 70। अब कितना हो जाएगा, 70 दूनी 140, 10 की घात कितना हो गया, 140। इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ से मुझे टोटल जीरो कितनी मिल सकती है, मुझे टोटल जो हो जाएंगी 140 जीरो तो यहाँ मिल गई और 16 जीरो मुझे यहाँ मिल गई, इसका मतलब 156 जीरोस मेरे पास में होंगी, 156 जीरोस कुल मिलाकर मेरे पास में होंगी, मुझे इतना ध्यान रखना है। 1000 वाली सीरीज दी है, कुछ भी नहीं करना, 1000 इंटू 1 क्या करूँगा, 1000 इंटू 2 इस तरह से 1000 इंटू 70, 70000 हो जाएगा। 1000 कितनी बार कॉमन निकल रहा है, 1000 निकल रहा है 70 बार, अंदर हो जाएगा 1 का गुणा, 2 का गुणा, 3 का गुणा, यहाँ से चल जाएगा कितनी बार, 70 बार। वही बात, अंदर की चीज़ को जब मैं यहाँ से यहाँ तक काटूँगा, जब मैं अंदर की चीज़ों को यहाँ से यहाँ तक काटूँगा तो 70 हो जाएगा, 70 बटे कितना हो जाएगा, 5, 5 से मैं इसे जब मैं काटूँगा तो कितना बचेगा, 14, और 14 को फिर मैं काटूंगा 5 से तो 5 हो जाएगा 2, इसके बाद कटेगा नहीं, तो 14 और 2 कितना हो जाएगा, 16 होगा। इसको सॉल्व करने का तरीका अभी अभी मैंने आपको बताया है, 10 की घात कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा, 10 की घात 3 लिख सकता हूँ और बाहर लिखा है 70, 70 तिया होते हैं 210, 10 की घात कितना हो जाएगा, 210। यानी कि अब मैं अगर ध्यान से देखूँ तो टोटल नंबर ऑफ जीरोज़ कितनी होंगी मेरे पास में, 210 तो ये हो चुकी हैं और प्लस 16 ये हो गई है, यानी कि 226 मेरे पास में जीरो होंगी। तो मुझे लगता है, आई होप आप लोगों को ये सारी चीज़ें समझ में आई हों। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में इसके आगे से मैं कंटिन्यू करूँगा।